رب زدني علما وإيمانا ويقينا. इस महफिल को तावना करने की केक काटेंगे बल्कि अपने बच्चों के साहब मैनेजर के तले हम यहाँ पे जमा हुए हैं ड्रग डिविजन सूरत से नवाजा है अल्लाह ताला इसमें फर्क करने की जो इसको जिंदा रखने के लिए और उसको मुशिर करने के लिए जो नई नस्ल है जो यूथ है वो The rock. I enter this country without a passport. समझने की सलाहियत बख्शी खैर और शर को पहचाने और इसे अपनाने छोड़ने का अख्तियार बख्शा जवान गोशाश कर कश्मीर के बुला फिर वारि मज शिक अस क्या रूद गफिल निकाब गुमता हूँ मैं इन्हें छुपाऊँ किस तरह निकाब गुमता हूँ मैं जिन्हें सिमर निकल गई वो ख्वाब गुमता हूँ इसको मना करना या अदरवाइज डिसोन करना बहुत ही मुश्किल होता है कॉफ सिरप आई लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफ सिरप सो आई कीप टेकिंग इट तालीम के साथ साथ उनके सेहत का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और अपने स्कूलों या इदारों में आज की तरह के प्रोग्राम मनकद करते हैं All this I have lost. Once you had your grasp in me, there was no way I could break free. जैसे कि कोरोना आया था इस पूरी वर्ल्ड में उसने अपने वर्ल्ड को इन्वॉल्व किया है ऐसे ही कि जो ड्रग है ये वायरस है Assalamualaikum everyone. Myself Mirudba Bilal and I am the student of Shaheen Public High School, Manigam. Today our school conducted a program on drug addiction in which we got essential information about the effects of drugs and it is dangerous. मेरा नाम समरीना है मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ शाहीन पब्लिक हाई स्कूल में आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिसका अनवान इंतदाद मंशिया था जिसमें काफ़ी अजीम शख्सियतें जैसे डीडीसी मेंबर एसएचओ लार सरपंच साहब मेजर सर उन्होंने शिरकत की और इंतदाद मंशियात पर अपने ख्याल का इजहार किया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है उन्होंने बताया कि किस तरह जो मंशिया की लत है वो किस तरह नौजवान नस्लों को बर्बाद किए जा रहे हैं उन्होंने इस पर हमें बहुत ज़्यादा मुफीद अमीज़ बातें बताई जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इस प्रोग्राम से हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया मेरा नाम साहिल फारूक है नवी जमात का तलबा शाहीन पब्लिक हाई स्कूल मनगाम में आज हमारे स्कूल शाहीन पब्लिक हाई स्कूल मनगाम ने एक प्रोग्राम मुनक़द किया जिसका अनवान था ड्रग डे एडिक्शन और इस प्रोग्राम में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई कि हम जो ड्रग एडिक्शन इसके मुज़िर असरात और जो हमारा यूथ जो है वो ड्रग एडिक्शन जल्द मुलविस हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें मुलविस होते जा रहे हैं उससे हम दूर कैसे रह सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी शख्सियतों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया अपनी स्पीच के जरिए से एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से भी या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के हवाले से एक प्रोग्राम एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था नशा मुक्त भारत कि हम अपने नेशन को कैसे नशे से पाक करेंगे और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए तो इसी हवाले से हमने भी चाहा कि हमारे स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम हो जिस प्रोग्राम के ज़रिए से हम अपने बच्चों को अवेयर करेंगे और
इस प्रोग्राम के हवाले से हमने अपने बच्चों को अवेयर करना है या अपनी सोसाइटी को अवेयर करना है कि आप कैसे अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स में जो लोग रह रहे हैं कि उनको आप कैसे नशे से दूर रखोगे, या अगर कोई अप्रिहेंशन से कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व हुआ है या हो रहा है, होने के चांसेस है, तो क्या कौन से रेमेडियल मेजर्स आपको लेने होंगे जिस वजह से वो इन इन चीज़ों से दूर रहेगा, पाक रहेगा, ताकि जो फ्यूचर हमारे आने वाले हैं, जो बच्चे हैं हमारे, जो मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, वो पाक रहेगा, वो साफ़ रहेगा, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। जब ये अच्छे से चलेंगे, इनकी सेहत अच्छी रहेगी, इनका मेंटल मतलब ठीक रहेगा। जो हमारी जे के यू टी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्शन की थी कि नशा मुक्त भारत भारत, उसी तहत ये एक प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया है शाहीन पब्लिक हाई स्कूल मनीगाम। हम यही लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप सामने आ जाओ, हर किसी को जिम्मेदारी है कि ये इस नशे से हमें जो इस लत में बड़ा हुआ है उसको बाहर निकालना है। ये खाली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, खाली पुलिस को ही ये काम नहीं करना है, हमें भी करना है। हमें जो सीनियर सिटीजन गांव के होते हैं, सभी रेस्पेक्ट पर्सन इमाम और जहाँ के गाँव के कोई डिग्निटी होती है, उनको सामने आना है और ये जो हमारे कश्मीर इस नशे में ज़्यादातर डूब रहा है, इसे बचाना है।